नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश, और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सामने आए ड्रग्स एंगल को लेकर मुंबई और गोवा के लगभग 7 स्थानों पर छापे मारे। एनसीबी की टीम ने मुंबई और गोवा में ड्रग पेडलरों के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की। साथ ही 60 ड्रग्स पेडलरों को एनसीबी ने गिरफ्तार भी किया। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती ने कथित तौर पर एनसीबी के सामने कबूल किया है कि अभिनेत्री सारा अली खान और रकुल प्रीत, डिजाइनर सिमोन खंबाटा, सुशांत के दोस्त और पूर्व प्रबंधक रोहिणी अय्यर और फिल्म निर्माता मुकेश छाबड़ा ने नशीले पदार्थों का सेवन किया है। रिया ने एजेंसी से कहा है कि बॉलीवुड के 80% स्टार ड्रग्स लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 युवकों को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शनिवार को भारतीय सेना को लौटा दिया है। सेना ने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आज किबिटू में इन व्यक्तियों को ले लिया। इन सभी को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, और इसके बाद इन्हें परिवार के सदस्यों को सौंप दिया जाएगा। इस बात की जानकारी तेजपुर डिफेंस के जनसंपर्क अधिकारी ने दी। मैकमोहन रेखा पर स्थित नाचो अंतिम प्रशासनिक क्षेत्र है, और यह दिपोरी जो जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर है। चीनी सेना द्वारा कथित तौर पर अगवा किए गए युवकों की पहचान सोच सिंह कम, प्रसाद रिंगलिंग, डोंगतू एबिया, तनु बाकर और नगरू दिरी के रूप में हुई थी। कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ सुनियोजित लड़ाई ने भारत को मुसीबतों की खाई में धकेल दिया है। इससे जीडीपी में करीब 24% की गिरावट, 12 करोड़ नौकरियों का घाटा, 15.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त स्ट्रेट लोन, और विश्व में कोरोना के रोजाना सबसे ज्यादा मामले और मौत के आंकड़े सामने आए हैं। कोरोना के इतने मामले बढ़ने और प्रभावी तरीके से महामारी को न संभालने का आरोप कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया है। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर एनडीए में शामिल दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव और पार्टी अध्यक्ष संजय जायसवाल जैसे पार्टी सहयोगियों के साथ नड्डा ने नीतीश के साथ उनके आधिकारिक आवास पर बैठक की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के प्रमुख नेता राजीव रंजन उर्फ लल्लन के साथ नड्डा का गर्मजोशी से स्वागत किया। नड्डा वैसे तो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, लेकिन वह पटना में ही पैदा हुए और यहीं पले बड़े हैं। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिला है। यह तीसरा दिन है जब एक दिन में 95,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को 97,570 नए मामले सामने आए। इन नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 46,59,000 से अधिक हो गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। आंकड़े के अनुसार अब तक 36,24,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। मुंबई में नौसेना के पूर्व अफसर से मारपीट के 6 आरोपियों को जमानत मिलने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में मारपीट का शिकार बने नौसेना के पूर्व अफसर मदन शर्मा की बेटी भी शामिल थी। प्रदर्शन करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती अपराध के तहत मामला दर्ज करने की मांग कर रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज, फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक को आज यानी शनिवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वह पिछले एक महीने से कोरोना के कारण पणजी के एक अस्पताल में भर्ती थे। आपको बता दें कि केंद्रीय आयुष मंत्री 12 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस सप्ताह कंगना रनौत के चंडीगढ़ से मुंबई की इंडिगो फ्लाइट में मीडिया चैनलों के बीच मची अफरा तफरी और फ्लाइट के भीतर की गई वीडियोग्राफी को ध्यान में रखते हुए एविएशन रेगुलेटर नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि किसी भी यात्री विमान में एयरक्राफ्ट नियम 1937 के नियम 13 का उल्लंघन के मामले में उस विशेष मार्ग के लिए संबंधित एयरलाइन की उड़ान अगले दिन से 2 सप्ताह के लिए निलंबित कर दी जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच देश में विकसित हो रही भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ गई है। भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि कोवैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण सफल रहा है। यह दावा किया गया है कि परिणामों ने लाइव वायरल चैलेंज मॉडल में वैक्सीन की संरचनात्मक प्रभाविकता का प्रदर्शन किया। हैदराबाद स्थित फर्म ने ट्वीट किया कि भारत बायोटेक गर्व से कोवैक्सीन के पशु अध्ययन परिणामों की घोषणा करता है। ये परिणाम एक लाइव वायरल चैलेंज मॉडल में सुरक्षात्मक प्रभावकारिता प्रदर्शित करते हैं।